हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है आवजा के सबसे पावरफुल एम्पलीफायर के बारे में, जो कि एलेक्सा सीरीज से आता है। और ये एम्पलीफायर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये 2020 में जून के महीने में लॉन्च होने वाला है। और आपने इसके बारे में सुना ही होगा, इसका मॉडल नंबर है LXA 7500। ये 7500 वाट का एम्पलीफायर है। और कंपनी हालांकि इसको 7500 वाट के नाम पे लॉन्च करेगी, लेकिन इस एम्पलीफायर का एक्चुअल वाट जो है वो 8000 वाट का होता है, 4000 एक जोन पे और 4000 दूसरे जोन पे। आइए इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कैसा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मॉडल नंबर है LXA 7500, जो कि एक 7500 वाट का एम्पलीफायर है, लेकिन एक्चुअल इसका जो पावर है वो 8000 वाट का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 8 ओम पे इसका आउटपुट RMS जो है वो है 1600 वाट एक चैनल पे और 1600 वाट दूसरे चैनल पे। और 4 ओम पे हमें मिलता है 2600 वाट एक चैनल पे और 2600 वाट दूसरे चैनल पे। और 2 ओम की बात करें तो 2 ओम पे हमें मिल जाएगा 4000 वाट एक चैनल पे और 4000 वाट दूसरे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4000 वाट एक चैनल पे और 4000 वाट दूसरे चैनल पे इसका आउटपुट होता है। और एलेक्सा सीरीज में ये सबसे पावरफुल एम्पलीफायर है, जो सबसे ज़्यादा वाटेज के साथ में आता है। और ये भी सेम लो पास फिल्टर के साथ में आता है, जैसा कि आप LXA 6000 में देख चुके हैं, और साथ ही साथ LXA 4500 भी आता है। तो उसी प्रकार इसमें भी एक लो पास फिल्टर दिया हुआ है, जो पर चैनल के लिए होता है, मतलब एक चैनल के लिए भी अलग से और दूसरे चैनल के लिए भी अलग से लो पास फिल्टर होता है। और ये खास करके बेस के लिए होता है। अगर आप बेस चला रहे हैं तो आप लो पास फिल्टर मोड में एम्पलीफायर को ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा आउटपुट मिल सकता है। अब ये तो हो गई इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात, और चलिए देखते हैं इसका लुक कैसा है। तो दोस्तों, अगर आप इस एम्पलीफायर को देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सेम टू सेम LXA 6000 की तरह होता है। जैसा कि आप यहाँ पे इसका फ्रंट लुक देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल दिखने में LXA 6000 के जैसा होता है, और इसका बैक साइड भी सेम LXA 6000 के जैसा होता है। अगर लुक की बात करें तो अगर आपने LXA 6000 या आहूजा की किसी भी एलेक्सा सीरीज का आपने आपके पास हो, तो आप बिल्कुल उसका लुक का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। और चलिए बात करते हैं इसका जो कंपनी ने RMS पावर दिया है, क्या ये इससे ऊपर का लोड ले सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आहूजा का एम्पलीफायर बहुत पावरफुल होता है, जैसा कि आप जानते ही हो। तो यहाँ पे हमें 8 ओम पे मिल जाता है 1600 वाट पर चैनल। तो अब बात करें इसके लोड की, तो अगर आपको ज़्यादा पंच के साथ अगर आउटपुट चाहिए तो आप इस पर 1500 वाट के या फिर 1200 वाट तक का आप इसमें दो बेस, एक बेस एक चैनल पे, एक बेस एक चैनल पे लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। और बात करें इस पर ओवरलोड चलाने की, तो आप इसमें 1700 से लेकर के 1800 वाट तक का आप इसमें सिंगल बेस, एक चैनल पे एक बेस, एक चैनल पे एक बेस यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बात करें 4 ओम की, तो 4 ओम पे हमें यहाँ पे मिल जाता है 2600 वाट पर चैनल। तो अगर आप इसमें 1200 वाट के अगर 4 बेस चलाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन आप इसमें 2600 वाट तक का लोड, कंपनी कहती है कि आप इसमें 2600 वाट तक का लोड दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एम्पलीफायर का आउटपुट पावर होता है एक्चुअल जो RMS होता है इसका, जो 8000 वाट है, तो आप इसमें 1500 वाट के भी 4 स्पीकर चला सकते हैं, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा और ज़बरदस्त पंच मिलेगा आपको। और यहाँ पे आप 1500 वाट का आराम से स्पीकर चला सकते हैं 4 पीस, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें 2 ओम की, तो 2 ओम पे हमें यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिलता है हमें 4000 एक चैनल पे और 4000 वही दूसरे चैनल पे। तो 2 ओम पे वैसे रिकमेंड नहीं करता मैं, और 2 ओम पे एम्पलीफायर को चलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन आप इस पर 3000 वाट तक का ही लोड दें पर चैनल। जैसे कि आप इसमें 650 वाट के आप इसमें 4 स्पीकर चलाइए, 650 वाट के इसमें आप 4 स्पीकर चलाइए, आप 800 वाट के भी 4 स्पीकर चला सकते हैं एक चैनल पे, एक चैनल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 600 वाट से लेकर के 800 वाट तक का आप इसमें 4 स्पीकर एक चैनल पे यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे चैनल पे भी आप 600 वाट से लेकर के 800 वाट तक के 4 स्पीकर आप इसमें चलाइए, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा और एम्पलीफायर भी आराम से चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करें इसमें प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन भी हमें सेम बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल जाते हैं जो बाकी LXA सीरीज के एम्पलीफायर में आते हैं। इसमें भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको दूसरे एम्पलीफायर में देखने को मिलता है LXA सीरीज में,
सेम बिल्कुल वही सेम प्रोटेक्शन यहाँ पे इसमें भी देखने को मिलेगा और इसका लुक भी सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिल जाएगा जैसा कि आपकी बाकी इलेक्ट्रिसिटीज का जो जैसा डिजाइन है उसका सेम वैसा ही ये भी मिलेगा। थोड़ा सा इसका साइज में अंतर हो सकता है और वेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर, तो इसका प्राइस तो वैसे कंपनी अभी लॉन्च ही नहीं की है तो इसका प्राइस कहाँ से पता चलेगा, लेकिन अगर अभी तक का जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटीज के जितने भी एम्पलीफायर हैं उसके प्राइस को देखते हुए मैंने एक अंदाज़ा लगाया हुआ है और लगभग ये 57,000 से लेकर के 60,000 के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। आउजा डीलर से मैंने बात किया, आउजा डीलर ने बताया है कि ये जून से लेकर के जुलाई के बीच में हमारे पास आ सकता है, तो यहाँ पे हमें जून में देखने को ये एम्पलीफायर मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जैसा कि आप इलेक्ट्रिसिटीज यूज कर ही रहे होंगे और जिनके पास है वो बिल्कुल जानते हैं कि एम्पलीफायर कैसा है। मैं तो इसको 2 साल से यूज कर रहा हूँ, जितना भी इलेक्ट्रिसिटीज है मैं उसमें 2-3 मॉडल रखा हुआ हूँ, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी तक का कोई परेशानी नहीं हुआ है, आउटपुट भी अच्छा मिलता है और एम्पलीफायर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है एम्पलीफायर में, तो ये भी बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर होने वाला है और आप बिल्कुल ले सकते हैं। 1500 वाट का 4 बेस बिंदास बजाइए, बहुत ही अच्छा बजेगा, एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।